नमस्कार दोस्तों, आज की कविता का शीर्षक है जनतंत्र के सूर्योदय से, जिसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। आइए सुनते हैं। रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फीतों में लपेटकर वे रख देंगे काले दराजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती हैं। पूरे आकाश को दो हिस्सों में काटती हुई एक गूंगी परछाई गुजरेगी, दीवारों पर खड़खड़ाते रहेंगे हवाई हमलों से सुरक्षा के इश्तहार, यातायात को रास्ता देती हुई जलती रहेंगी चौरस्तों की बस्तियां, सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार, शहर की समूची पशुता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह, सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार और तुम महसूसते रहोगे कि जरूरतों के हर मोर्चे पर तुम्हारा शक एक की नींद और दूसरे की नफरत से लड़ रहा है। अपराधियों के झुंड में शरीक होकर अपनी आवाज का चेहरा टटोलने के लिए कविता में अब कोई भी शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम चुप रहोगे और लज्जा के उस गूंगेपन से सहोगे ये जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा उस मेहरी की तरह है जो महाजन के साथ रात भर सोने के लिए एक साड़ी पर राजी है। सिर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ाते हुए जनतंत्र में सुबह सिर्फ चमकते हुए रंगों की चालबाजी है, और ये जानकर भी तुम चुप रहोगे, या शायद वापसी के लिए पहल करने वाले आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में, मगर तभी यादों पर पर्दा डालती हुई सवेरे की फिरंगी हवा बहने लगेगी, अखबारों की धूल और वनस्पतियों के हरे मुहावरे तुम्हें तसल्ली देंगे, और जलते हुए जनतंत्र के सूर्योदय में शरीक होने के लिए तुम चुपचाप अपनी दिनचर्या का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर आ जाओगे, जहां घास की नोक पर थरथराती हुई ओस की एक बूंद झड़ पड़ने के लिए तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रही है। शुक्रिया।